Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is also based on class 12th employability skills, and we are going to discuss important MCQs of unit green skills. If you will check the blueprint of the question paper, to aapko yahan pe marks dikhenge jisme ki objective types 6 aayenge, 2 from self management and 1 from other units, jisme se ki aapko 4 attempt karne. In the same way, 2 marks ke question, ek question jo hai har ek unit se aayega. And you have to attempt any 3 out of 5 questions. So what I want to say ki yahan pe agar aap kisi bhi ek unit ko padhna chhod bhi denge tab bhi kya hoga, you can easily attempt the questions. For example, ICT skills mein kafi jyada sessions hai, to aap is unit ko kya kar sakte hain, isko chhod sakte hain, isko mat padhiyega kyunki isme kafi pages hain. So what you can do ki communication skills padh lijiye, self management skills, entrepreneurial skills and green skills. अगर आप ICT स्किल्स को छोड़ भी देते हैं तब भी आपके पास 5 क्वेश्चंस बचेंगे जिसमें से कि आप इजीली 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आल्सो आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आप कोई भी 4 यूनिट्स पढ़ते हैं तो भी आप उसमें से 3 आपके पास चॉइस बचेगी. सो ICT स्किल्स में टाइम वेस्ट मत करिए. अभी आपने जितनी भी पहले पढ़ी थी ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड ही है, थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको होगी ही. बाकी कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरियल स्किल एंड ग्रीन स्किल्स में जल्दी जल्दी आप रिवीजन करिए. फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वे टू डिस्पोज ऑफ ओल्ड मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. फर्स्ट वन इज़ डोनेट दैम टू लोकल चैरिटी, इट्स रॉन्ग. सेल दैम ऑनलाइन टू हाइएस्ट बिडर, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट रिसाइकिल दैम थ्रू एन ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकिल प्रोग्राम. तो हमें डिस्पोज करना है ओल्ड मोबाइल फोन्स को, सो दिस वन इज़ बेस्ट वे, वी हैव टू रिसाइकिल दैम थ्रू एन ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकिलिंग प्रोग्राम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ई वेस्ट की आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू हैंडल ई वेस्ट. तो इनमें से सबसे करेक्ट वे कौन सा है ई वेस्ट को हैंडल करने के लिए. सेल द ई वेस्ट टू लोकल स्क्रैप डीलर, रॉन्ग. Throw the e-waste to in the dustbin, this is also wrong. Dispose of the e-waste with the help of a certified partner. तो जो भी authorized partner है उसके through हमें क्या करना चाहिए, e-waste को dispose of करना चाहिए. So this is the correct option. और ये local landfill वाला भी wrong है. Next, the environment friendly way to dispose and recycle used laptops, mobile phones, gadgets is called, so it is called e-waste management. नेक्स्ट वन, अ वे वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डैश इज़ बाय इंकरेजिंग ग्रीन जॉब्स. तो ग्रीन जॉब को इंकरेज करके वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन जॉब्स बट वन इज़ नॉट. तो इनमें से कौन सा जो है ग्रीन जॉब का एग्जाम्पल नहीं है. सो इफ़ यू विल सी दिस वन, वर्किंग इन MNC इट इज़ नॉट अ ग्रीन जॉब. नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सो दैट इज़ रिसाइकलिंग. नेक्स्ट वन, वी हैव टू टेल द फुल फॉर्म ऑफ 3 R's. तो 3 R's क्या होता है, रिड्यूस, री यूज, रिसाइकिल. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, देर इज़ अ गार्बेज बिन इन योर कैंटीन एंड इट जनरली गेट्स फिल्ड बियॉन्ड कैपेसिटी एवरी डे. सो वट वी शुड डू, आज द कैंटीन मैनेजमेंट टू गेट अ बिगर बिन. येस, इट इज़ अ सोल्यूशन कि हम कैंटीन मैनेजमेंट को बोले कि एक बिगर डस्टबिन रखे. नेक्स्ट, सजेस्ट वेज टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ गार्बेज कलेक्टेड. सो ये भी करेक्ट है कि हम वे सजेस्ट करें जिससे कि अमाउंट ऑफ गार्बेज कम हो जाए. नेक्स्ट, थ्रो गार्बेज ऑन द फ्लोर एंड वॉक अवे, दिस इज़ रॉन्ग. टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द प्रॉब्लम. तो हम यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दे रहे, बस प्रॉब्लम के बारे में बात करना, इट इज़ नॉट गुड. सो वट आर द करेक्ट थिंग्स, 1 and 2. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन जॉब. हेयर अर्बन कल्टर इज़ द करेक्ट ऑप्शन. हेयर इट इज़ नॉट अ ग्रीन जॉब. नाउ नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट कंसिडर्ड अ ग्रीन स्किल. सो इफ़ यू विल सी ऑल दीज ऑप्शन, तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज़ रिलेटेड टू मनी इज़ नॉट अ ग्रीन स्किल. नेक्स्ट, इफ प्रशांत इज वर्किंग इन RWHE, सो वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस, इट मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर. सो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी. तो जितने भी एब्रीविएशंस हैं इस यूनिट में उसके फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज वन दैट हेल्प्स ब्रिंग अबाउट एंड मेंटेन ट्रांजिशंस टू एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एंड इट्स आंसर इज ग्रीन जॉब. नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सो ऑप्शन ए. नेक्स्ट, UNEP, इट्स फुल फॉर्म इज
United Nations Environment Program. So this option D is the correct one. Next, DASH is designed to facilitate investment, ensure faster innovation, enhance skill development, protect intellectual property and build best-in-class manufacturing structures. So ye sab jo hai, it comes in Make in India campaign. Next one, which is incorrect for green jobs. So increase the efficiency of energy, this is correct. Increase greenhouse gas emissions, this is false. So option B is the correct option. FPOs are farmers collectives with membership consisting mainly of small and marginal farmers. You should know the definition of FPOs. FPOs मतलब कि group of farmers जो कि small और marginal farmers हैं, उनके group को हम बोलते हैं FPOs and its full form is farmer producer organization. So option D, farmer producer organization is the correct option. Next, KVK set up by government can be utilized to provide support activities like technology dissemination, training awareness to the local youth and farmers for collection, storage and reuse of agro waste. So agriculture se related training dena farmers ko ya local youth ko, that is done by the government. Government ka ek organization hai jisko kya bolte hain, Krishi Vigyan Kendra. So here option A is the correct one. Now 19th question, what does NAPCC stand for? Its full form is National Action Plan on Climate Change. So option C is the correct one. Next, Government of India launched NAPCC in June 2008. So iska year bhi important hai, ye bhi MCQ ke form mein pucha ja sakta hai ki NAPCC ko government ne kab launch kiya tha aur kis cheez ke liye launch kiya tha, for dealing with the issues of climate change. Next one, Ministry of Urban Development, Government of India has classified solid waste into how many categories based on the source of origin and type of waste. So it is divided into 14 categories. Now which one is not a category of solid waste according to Ministry of Urban Development? So here e-waste jo hai 14 categories mein nahi aata, to aapko 14 categories ek bar read bhi kar leni hai, again isse MCQ aa sakta hai. Next MCQ, DASH is a set of properties and characteristics of the environment either generalized or local as they impinge on human beings and other organisms. So set of properties and characteristics of environment ko hum kya bolte hai, environmental quality. Next one, DASH is working towards developing competencies of people in the domain of renewable energy, sustainable development and waste management. So which department is working for developing competencies of people in the green energy or sustainable development, waste management? That is Skill Council for Green Jobs. Next one, and this is the last one also, DASH is the process by which we can grow plants and crops in an environment friendly way. So that is organic farming. So this much in this video. Is unit se bahut zyada MCQs ban nahi rahe hain kyunki koi bhi aise koi bahut important topic nahi likha hai. Abbreviations hame pata honi chahiye, policies jo bhi government ne launch ki hai for green skills ya green jobs ya fir maintaining managing e-waste, in sari policies ko aur kis department ne कब लॉन्च की है, किसी भी चीज़ से रेंडमली कोई भी लाइन से क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा लाइक लास्ट यूनिट में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो हमें पता चल रहा था कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, बट इसमें एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो रेंडमली किसी भी टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. सो प्रिपेयर इट वेल. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी. प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.